तो आज सबसे पहले मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपने सारे अडेनियम के ब्लूम्स की, बहुत प्यारे ब्लूम्स आए हैं इसमें, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। तो इन्हीं प्यारे प्यारे फूलों के साथ आप लोगों का बहुत बड़ा वेलकम है मेरे गार्डन में। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको कि मेरे अडेनियम पे कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं अभी। तो ये बहुत ही प्यारे ब्लूम्स हैं, और सबसे ज़्यादा आप देखिए अडेनियम पे जब फूल आता है ना, बहुत खुशी होती है, बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसका फूल। और सारे ही प्लांट देखिए खुले में हैं, और बरसात में ही रखे थे मेरे, लेकिन बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि मैंने इनको सेंडर में लगा रखा है, तो बहुत अच्छे ये चल रहे हैं सारे ही प्लांट, और बिल्कुल कोई भी प्लांट कोई भी कैसे भी ख़राब नहीं हुआ है। तो पहले मैं आपको प्लांट्स दिखाती जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ। और देखिए ये है बिल्कुल बहुत ही सुंदर वाला फूल, तो जब मैं लेके आई थी प्लांट को तब फूल आए थे, और अब इसमें सेकेंड टाइम फूल आ रहे हैं। और ये देखिए वाइट कलर और पिंक शेड का फूल, बहुत ही प्यारा है। ऐसे मेरे पास दो पेड़ हैं। तो ये थे मेरी इधर एक साइड के एडेनियम, और दूसरी साइड पे देखिए कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं। तो इसमें जब दो चार भी फूल आते हैं ना, तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है। तो हमेशा जब भी फूल आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो दो सेम प्लांट आ गए मेरे पास। और ये देखिए ये थोड़ा सा समय हो चुका है इनको, और काफ़ी कलियाँ भी देखिए आ रही हैं, तो धीरे धीरे इनमें फूल आते रहेंगे। तो बस यही समर सीज़न होता है इनके में फूल आने का, बाकी विंटर में तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है इनमें फूल देख के। ये देखिए देसी अडेनियम है जिसमें फूल आ रहे हैं, तो अभी कम आ रहे हैं, बट बरसात भी उतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फाइनली आ तो रहे हैं। और गर्मियों में फूल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाड़ों में तो लॉट्स ऑफ वैरायटी होती हैं फ्लावर वाले प्लांट की, और गर्मियों में तो अगर फूल खिल रहे हैं आपके गार्डन में तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए इस बार मेरे गार्डन में बिल्कुल बहुत सारे फूल हैं, हमेशा रहते थे लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है आप लोगों को दिखाने का। तो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं मेरे गार्डन में, और बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसी फील नहीं आ रही कि गर्मियों में फूलों की कमी है। तो बहुत जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये देखिए वाइन है मेरी जिसपे कितने सारे फूल खिले हैं, ये मांडविला की वाइन है और इस पर बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाएं अगर आप ऐसी वाइन चाहते हैं जिसमें खूब सारे फूल आएँ, तो ये बहुत ही अच्छी है। देखिए गमले में हो जाती है, तो ये गमलों वाले प्लांट हैं जिनमें कि फूल आ रहे हैं, और इनको आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए भर भर के मैं बिल्कुल रह नहीं पाती आप लोगों को दिखाए बगैर, इसलिए मैं आपको दिखाती रहती हूँ हमेशा, जिससे कि जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर न्यू व्यूअर्स हों तो वो इसको देख सकें। तो ये देखिए गुच्छे वाली बोगनवेल बहुत ही सुंदर लगती है, और बहुत प्यारे ब्राइट कलर होते हैं इनके। तो अभी थोड़े थोड़े फूल दे रही हैं ये, अभी आप थोड़े ही समय बाद देखेंगे कि मेरी बोगनवेल पूरी भर के आएगी। तो उसका फर्स्ट स्टेप मैं आज फॉलो करूंगी कि किस तरीके से मेरी इसमें बहुत सारे फूल आते हैं बोगनवेल पे। और ये है ड्रॉप वेराइटी की चांदनी, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बहुत छोटे से गमले में लगाए, और देख सकते हैं आप कितना सुंदर बिल्कुल राउंड शेप में, तो ये खुद से अपनी शेप ले लेता है, बहुत प्यारा है। छोटे छोटे से वाइट फूल आते हैं इस पर, और इसी की एक बड़ी वेराइटी भी होती है। और ये है लॉलीपॉप प्लांट या फिर गोल्डन श्रिम्प, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा इस पर फूल आता है, और एकदम मुझे तो एकदम कार्टून की तरह लगता है, इसमें ऐसे दो कान से निकले हुए, बहुत प्यारा लगता है ये फूल। तो आप इसे भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इसको फुल सनलाइट चाहिए। और देखिए मेरे पास कुछ पिक पड़े थे मेरी बोगनवेल के, तो बहुत अच्छी इस तरीके की, अगर आप भर भर के फूल चाहते हैं तो आप ये जो फर्स्ट स्टेप मैं आज फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी जल्दी से अगर आपके पास बोगनवेल है, देखिए आप कितनी भर के, इस पर पत्ते भी नहीं दिख रहे, इतने फूल आएंगे अगर आप ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जो मैं आज फॉलो कर रही हूँ। तो बिल्कुल बिना देरी करे हुए आप इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए अगर आपके पास बोगनवेल है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ये कुछ पुराने फ़ोटो थे। और यहाँ से देखिए मैं अपने प्लांट्स को हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिया के प्लांट हो गए, क्योंकि आज मुझे करना है अपनी बोगनवेल पे कुछ काम जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय पे। अभी बरसात हो रही है, तो जब बरसात होती है तो बोगनवेल की जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल जंगल जैसी बन जाती है। तो मुझे चाहिए बिल्कुल एकदम छोटे उसमें और बहुत सारे फूल, तो इसलिए मैं इसकी आज कटिंग करूँगी, पूरी तरीके से इसको काटूँगी। किस तरीके से काटनी है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं,
तो इसको काटेंगे। अभी ये टाइम चल रहा है, मैं इसको कट कर दूंगी। उसके बाद जब दीपावली का जैसा समय आएगा तो इस पर काफ़ी अच्छे फूल आ जाएंगे, तो अभी इसको काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बढ़ चुकी है और इतनी अगर बढ़ेगी तो ये आपस में पास पास गमले रखें तो एक दूसरे में फंस जाएगी। तो उतना स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं इनको बिल्कुल फुल बड़ा बड़ा कर सकूं। अगर आप चाहते कि आपकी बोगनवेल काफ़ी बड़ी फैली फैली रहे तो आप, अगर आपके पास स्पेस है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक बिल्कुल छोटे शेप में और काफ़ी सारे फूल आए, पत्ते भी ना दिखाई दें, तो उसके लिए मैं इनको कट कर रही हूँ। तो पूरी तरीके से जब हम कट कर देंगे तो उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्रांचेज आएंगे क्योंकि इसकी जो टिप होती है उसके ऊपर फूल आता है, तो जितनी ज़्यादा टिप बनेंगी उतने ही ज़्यादा इस पर फूल आएंगे। तो अगर आपकी जैसे बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो गई हैं तो आप उनको ऐसे गोल घुमा के भी बांध सकते हैं। आप देख रहे हैं जिस प्लांट को मैं काट रही हूँ उसको ब्रांचेज को मैंने ऐसे गोल घुमा के बांध रखा है, तो ऐसे भी आप बांध सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ऐसे प्लांट बांध के। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस को सबको काट के निकाल दूंगी। और देखिए इस तरीके से ऐसे गोल घुमा के आपस में फंसा सकते हैं या फिर किसी पतली रस्सी से इसको बांध सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है ऐसे गोल घुमा के बांधने से, बहुत ही अच्छा शेप आ जाता है इसका और जब फूल आते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। तो ये ऐसे राउंड राउंड बना के इसको बांध दें अगर आपके पास बोगनवेल काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो चुकी हैं और घनी है, तो आप ऐसे गोल गोल घुमा के बांध दें। जैसे मैं ये देखिए मैंने इसको बांधा है, आप इस तरीके से भी बांध सकते हैं और कट करके इसको बिल्कुल छोटा भी रख सकते हैं तो भी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो सबसे पहले डाला था, आप कभी चेक करें, उसमें देखना आप मेरी बोगनवेल पे कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो पहले मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती थी, बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक नहीं करती थी क्योंकि इतना मुझे कोई वो नहीं था, मैं सिर्फ अपने शौक के लिए गार्डनिंग कर रही थी, तो इसलिए मेरे पास वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं है। कभी कभार फ़ोटो मैं भी नहीं क्लिक करती थी, घर में जहाँ भी किसी के भी मोबाइल में होते थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस ये देखिए पूरी तरीके से मैं इसको भी कट करूँगी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़ चुकी है। तो जब बरसात होती है और इसमें पानी ज़्यादा डाला जाता है तो मतलब ज़्यादा डलता है तो फिर इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको अपनी बोगनवेल की ग्रोथ करनी है, आपने ज़मीन पे लगा रखी है तो आप उसमें पानी दीजिए, वो जब काफ़ी बढ़ जाएगी तो फूल आने शुरू हो जाएंगे, और जब पानी हम बहुत ज़्यादा देते हैं तो फूल नहीं आते। तो इसी वजह से बरसात में इसमें कम फूल आते हैं बट थोड़े आते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, और जब अब आएंगे फूल जाड़ों में तो इतने ज़्यादा आते हैं कि बहुत ही अच्छी लगती है बोगनवेल। तो अब समय इसका सीज़न आने वाला है इसलिए मैं इसको कट कर दे रही हूँ, क्योंकि जब बाद में कट करूँगी तो फूल आने लेट हो जाएंगे, तो यही बहुत अच्छा समय है इसको कट करने का। और कट करने के बाद आप इस पर फंगीसाइड का जैसे जो मैंने साफ दिखाई थी उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, वो काफ़ी ठीक रहता है, उससे प्लांट में ख़राब होने के डर कम हो जाते हैं। तो आप उसको 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच पानी में मिलाएं, 1 लीटर पानी में अच्छे से शेक करें और पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दें तो वो सेफ रहता है प्लांट, कोई फंगस वगैरह नहीं आती। वैसे बोगनवेल बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें ऐसा कोई भी डर नहीं होता। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रही हूँ मैं, सेकंड स्टेप अभी नहीं फॉलो करना है, वो जब भी मैं फॉलो करूँगी आप प्लीज़ मेरे साथ हमेशा बने रहें। जब भी मैं फॉलो करूँगी तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं सेकंड स्टेप क्या करूँगी, तो वो अभी फॉलो करना ही नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही क्योंकि बरसात चल रही है। तो अभी सिर्फ इसका एक ही स्टेप यही फॉलो किया जाएगा कि हम इसको कटिंग करके बिल्कुल छोटा कर देंगे, और सेकंड स्टेप को अभी टाइम है तो वो भी ज़रूर फॉलो करें जिससे कि आपकी बोगनवेल में भर भर के फूल आए। तो आप बिल्कुल मेरे साथ हमेशा बने रहें। और आप क्या और किस प्लांट को देखना चाहते हैं, कैसे प्लांट की किस चीज़ की केयर देखना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ आप मुझे बताएं तो मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे प्लीज़ आप लोगों की हेल्प चाहिए ये इसके लिए कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, आपको किस टाइप के वीडियो देखने हैं। देखिए डेकोरेशन मैं हमेशा ही दिखाती रहूँ आपको, और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने चाहिए, तो आप प्लीज़ बताएं मुझे कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, कोई चीज़ बना के दिखाऊं या फिर किसी प्लांट की केयर। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि कुछ कुछ देखिए फूल भी आ रहे हैं बोगनवेल पे, और लेकिन अभी कट करना बहुत ज़रूरी है तो मैं कट कर देती हूँ क्योंकि बहुत समय तक ये फूल नहीं चलते, बहुत जल्दी बारिश होती है तो फूल सारे गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इस समय पर।
तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं कट कर दे रही हूँ, और अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी बोगनवेल एकदम फुल भर जाएगी और बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो क्योंकि अभी बरसात चली रही है और बड़ा ख़राब सा लगता है, लेकिन जब बहुत अभी ग्रीनरी दिख रही है और एक साथ ही हमारी आंखों को दिखता है कि प्लांट एकदम साफ़ है, ग्रीन नहीं दिख रहा, तो बहुत बेकार सा लगता है गार्डन में। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक दूसरे में उलझ जाते हैं, तो इसलिए मैं कट कर रही हूँ इनको। और ये देखिए ये बोगनविल सबसे प्यारी लगती है, इसमें पर्पल कलर का फूल आता है और अपने आप में ही एक शेप लिए रहती है, राउंड शेप में अपने आप ही इसकी जो बढ़ती है तो वो इसी तरीके से बढ़ती है और बहुत ही सुंदर, नीचे से भी एकदम बोनसाई फॉर्म में रहती है, तो बहुत प्यारी लगती है। ये पर्पल कलर की है, इसमें सिंगल पेटल वाला फूल है बट बहुत अच्छा फूल आता है। और ये देखिए सारी ही मैंने बोगनवेल काट दी, और आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा तूफान मचा रखा है कुछ कीड़ों ने, कुछ नहीं बहुत सारी कीड़े आ चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप की कीड़ी आई है, जो कि उसने प्लांट का पूरा बर्बाद कर रखा है, बहुत सारे मेरे हैंगिंग प्लांट खा दिए इसके मनी प्लांट के। और ये देखिए कितना सुंदर मेरा मनी प्लांट था, बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला, ये देखिए ये कीड़े हैं। क्या आपके यहाँ भी ये मिलते हैं या सिर्फ मेरे यहाँ ही इतने कीड़े हैं? तो ये देखिए आप रूफ टॉप गार्डन पे भी पहुँच जा रहे हैं, इवन आप देख सकते हैं कि मैंने घर जो कमरे के अंदर गार्डन रखा था वहाँ भी उस प्लांट को भी खा गए, तो ये क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता। और ये देखिए कितने सुंदर प्लांट को, बहुत ही प्यारी पत्तियाँ हैं इसकी, और इसको भी इसकी नई नई पत्तियों को सबको खा दिया, बहुत सारे मेरे प्लांट को बर्बाद किया है इसने। तो आज फाइनली कुछ दवाई मैं इसमें डालूंगी जिससे कि ये बहुत ज़्यादा बर्बादी ना करे। और ये देखिए मैंने एक छोटा सा किसी में से निकाल के लगा दिया था सेंसिबेरिया का, मैंने सोचा था कहीं अंदर रखने के लिए इंडोर बनाऊंगी, तो इसको भी देखिए कितना हार्डी प्लांट है, इसको भी खा दिए, इसकी पत्ती जबकि कितनी हार्ड होती है इसको भी नहीं छोड़ा उस कीड़े ने। और पूरे गार्डन में मेरे कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें वो ना हो। तो यहाँ देखिए कितने सुंदर मेरे हैंगिंग प्लांट है, इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, नीचे इसकी गंदगी जो पड़ी रहती है ना उससे मुझे पता चल जाता है कि इस प्लांट के अंदर ये कीड़े हो चुके हैं। तो रात में आके इसमें हमने दवाई डाली थी, और दवाई डालने के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पूरी ज़मीन पे ये कीड़े पड़े हुए हैं। तो रात में आके इसलिए डाली थी क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह होती है वो दिन में आती है ना, तो मैंने इसलिए इसमें रात में डाली थी वो दवाई। और उस दवाई का भी वीडियो मैं आपको नहीं, उस दवाई का वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं तो मैं ज़रूर उसका वीडियो डालूंगी। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इतना सारा समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।